तो पिछला वीडियो में हमने बात की थी स्मार्टफोन की मदद से आप कैसे प्रोफेशनली वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उस वीडियो में आप लोग अच्छा खासा सपोर्ट दिखाए वो, तो इसलिए आप सबको दिल से थैंक यू। और गाइस आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे कैसे आप स्मार्टफोन से प्रोफेशनली वीडियो को एडिट कर सकते हैं। और गाइस मैं प्रोसेस बिल्कुल सेम बताऊंगा, चाहे आपके पास कोई भी कोई भी एडिटर एप्लीकेशन हो, चाहे वो वीएन एडिटर हो, चाहे वो इंसर्ट हो, चाहे वो पावर डायरेक्टर हो, चाहे वो काइन मैटर हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, आप उसमें आप आराम से प्रोफेशनली वीडियो को एडिट कर सकते हैं। बिल्कुल मैं एकदम सेम प्रोसेस बताऊंगा, तो कैसे कुछ प्रोसेस है, क्या कुछ प्रोसेस है, सारे कुछ इस वीडियो पे हम बात करेंगे। तो इस बारे में जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो बिना देर के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस मैं अपना वीडियो को एडिट करने के लिए जो एप्लीकेशन यूज करता हूं वो है काइनमेस्टर। अगर कोई आप दूसरा एप्लीकेशन यूज करते हैं अपना वीडियो को एडिट करने के लिए, तो उसमें आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गाइस बिल्कुल प्रोसेस आपको सेम करना है। तो मैं जो आपको प्रोसेस बताऊंगा उसी प्रोसेस से अपना वीडियो को आपको एडिट करना होगा, क्योंकि जिसकी वजह से अपना वीडियो को प्रोफेशनल वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो कैसे कुछ प्रोसेस है चलिए हम बात करते हैं। तो यहां पर मैं काइनमेस्टर पे आपको लेके चलता हूं, और काइनमेस्टर पे आपको सारे कुछ प्रोसेस बताऊंगा, वीडियो को एडिट करके भी दिखाऊंगा। तो कैसे कुछ प्रोसेस है चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले काइनमेस्टर को हम ओपन करते हैं। काइनमेस्टर को जैसे ही ओपन करेंगे गाइस आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला है, और यहां पर अभी आप देख सकते हैं काइनमेस्टर को जैसे ही ओपन करेंगे सबसे पहला प्रोसेस आपको वीडियो को इंपोर्ट करना। तो वीडियो जैसे ही इंपोर्ट करेंगे आपको प्रोजेक्ट को एडिट करना होगा। प्रोजेक्ट एडिट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेक्ट रेशियो, और यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको फाइल को इंपोर्ट करना है अपना टाइमलाइन पर। तो यार मैं जो भी वीडियो शूट किया हूँ उसको इंपोर्ट करके दिखाऊंगा, तो आपका वीडियो को आपको यहाँ से इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा टाइमलाइन पर हमारा वीडियो आ चुका है, और इसको अभी हम एडिट करेंगे। तो जो जो पार्ट आपको नहीं चाहिए उस पार्ट को आपको डिलीट करना होगा, और जो पार्ट आपको चाहिए उसको आपको टाइमलाइन पे रहने देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपने चेहरा को पोंछ रहा हूँ, तो इस पार्ट को मुझे डिलीट कर देना है। तो इसके लिए मुझे यहाँ से कट लगाना पड़ेगा। तो आपको भी जो जो पार्ट नहीं चाहिए उसको आपको डिलीट करना होगा, और जो जो पार्ट चाहिए उसको आपको टाइमलाइन में रहने देना है, ठीक है। तो ऐसे कुछ एडिट किया जाता है, तो आपको बारीकी से देखना होगा कैसे, कोई भूल चूल नहीं रह गया तो, आपको कुछ गलत सलत नहीं बोला है तो इसको आपको बारीकी से देखना होगा। बारीकी से देखने के बाद आपको कट लगाना है। तो जो जो पार्ट आपको नहीं चाहिए उसको आपको कट लगा देना है। तो यार मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ कैसे कट लगाता हूँ मैं। तो यार मैं आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैं कट लगा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपको कट लगाना है। तो एडिटिंग करते वक्त आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आपको आराम से वीडियो को देख देख के वीडियो को एडिट करना है। तो यार हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर एडिट कंप्लीट हो चुका है। बैकग्राउंड म्यूजिक, जी हाँ दोस्तों, एक वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज बैकग्राउंड म्यूजिक होगा तो थोड़ा वीडियो को देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग लगता है। तो इसलिए हमको बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करना चाहिए। तो बैकग्राउंड म्यूजिक को आपको कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से डाउनलोड करना है इस बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाते हूँ, आई बटन में लिंक है, जाकर जरूर चेकआउट करिए। तो यार आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड कर दिया हूँ। तो सबसे पहले इसका साउंड हमको कम करना होगा, क्योंकि साउंड कम नहीं करेंगे तो इसको दोनों का वॉल्यूम एक साथ सुनाई देगा, तो इसलिए व्यूअर्स को पसंद नहीं होगा। और इसके बाद हम करेंगे कलर रीडिंग। जी हाँ दोस्तों, अपना वीडियो में कलर रीडिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो यार मैं ये कलर रीडिंग कैसे करूँगा आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ। तो यार आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका वीडियो के लेयर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप बहुत सारे आपको फिल्टर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिल्टर कुछ आपको दिखाता हूँ, आप काइनमेस्टर पर अगर करेंगे या कोई भी एप्लीकेशन में करेंगे तो आपको बहुत सारा फिल्टर देखने के लिए मिल जा रहा है। तो यार मैं आपको कोई भी फिल्टर एक दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कलर फिल्टर पर जाना है। कलर फिल्टर पर जैसे ही जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कलर फिल्टर पर जाता हूँ, और यहाँ पर आपको बहुत सारा ऐसे फिल्टर देखने के लिए मिल जाएगा, और जो भी फिल्टर आपको पसंद होगा आप उसको एडजस्ट करके लगा सकते हैं। यार मैं कोई भी एक फोल्डर आप फिल्टर आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये वाला देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत एडजस्ट हो रहा है, तो इसको मैं आराम से लगा दिया हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मैनुअली इसको कलर एडजस्टमेंट करना, तो इसलिए आपको एडजस्टमेंट पर जाना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ब्राइटनेस आप कंट्रोल कर सकते हैं, फिर आपको कॉन्स्टेंट वगैरह, सेचुरेशन, वाइब्रेंस, टेम्परेचर, यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मैं कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ, तो आपको भी ऐसे कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो यार मैं यहाँ पे ह्यू वगैरह, लिफ्ट वगैरह इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कलर ग्रेडिंग मैं अच्छे से कर दिया हूँ। और कहीं आप देख सकते जो ये वाला जो क्लिप था वो भी हो गया, लेकिन जो दूसरा वाला क्लिप है इसको करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको नीचे जाना है, नीचे जैसे जाएंगे फिर एडजस्टमेंट पर जाने के बाद यहाँ पर अप्लाई टू ऑल, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जो भी सभी क्लिप है, जो सभी क्लिप में आपका जो ये वाला जो कलर ग्रेडिंग सभी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कलर ग्रेडिंग। तो आपको कुछ ऐसा कलर ग्रेडिंग करना है अपना वीडियो पे।
और इसके बाद हम ऐड करेंगे ट्रांजिशन। जी हाँ दोस्तों, ट्रांजिशन लगाने के लिए यहाँ पर आपको जहाँ पे भी ट्रांजिशन लगाना है वहाँ पे आपको कट लगाना होगा। ठीक है, तो यार मैं यहाँ से कट लगाऊंगा क्योंकि ट्रांजिशन मुझे यहाँ पे चाहिए। तो कट लगाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ट्रांजिशन ऊपर के आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजिशन बहुत सारा आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। जो भी आपको ट्रांजिशन पसंद होगा आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको कुछ अलग से ट्रांजिशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजिशन की जो यहाँ पर जो स्टोर है यहाँ पर जाकर आप ट्रांजिशन डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रांजिशन कैसे लगाना है इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना देऊँ, आई बटन में लिंक है, आप वीडियो खत्म होने के बाद जाके जरूर चेकआउट करिए। तो यहाँ पर आपको कुछ बहुत सारे ऐसे ट्रांजिशन देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर आपको टाइमिंग देखने के लिए मिल जा रहा है, टाइमिंग भी आप सेट कर सकते हैं और आपको ट्रांजिशन बेसिकली लगाना है। ठीक है, तो ट्रांजिशन जैसे ही लगाएगा आपका वीडियो एकदम देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे कुछ ट्रांजिशन लगाया जाता है। एक वीडियो लेयर के ऊपर और एक वीडियो लेयर ऐड करना, इसको बोलते हैं बी रोल। अगर आप किसी चीज़ के बारे में किसी को समझा रहे हो, सपोज यहाँ पर मैं कोई माइक के बारे में समझा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं ऐसे कुछ बी रोल ऐड करूँगा। तो यार मैं बी रोल को पहले से शूट करके रखा हूँ, आपको भी ऐसे बी रोल को पहले से शूट करना है। नहीं तो आप कोई भी स्टॉक वीडियो से डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि पिक्सेबाई या पिक्सल से, और यहाँ से आपको बी रोल ऐसे ऐड करना है। तो बी रोल को यहाँ पर मैं लगाता हूँ। तो बी रोल लगाने के बाद आपका वीडियो जो भी आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और आपका ऑडियंस रिटेंशन बहुत ही ज़्यादा आता है, तो इसलिए आपको बी रोल्स वीडियो को इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बीरोल वीडियो को इस्तेमाल किया हूँ और मेरा वीडियो देखने में काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी आपको बीरोल्स इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसलिए मैं प्रोसेस में इसको रखा हूँ। तो आपको भी ये प्रोसेस करना है जैसे कि आपका एडिटिंग लेवल प्रोफेशनली हो जाएगा और आपका एडिटिंग देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसको बोलते हैं बीरोल। और आप स्क्रीनशॉट भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपका किसी के बारे में आपका व्यूअर्स को समझा रहे हो तो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट भी इस्तेमाल करना चाहिए। स्क्रीनशॉट इस्तेमाल करेंगे तो आपका व्यूअर्स भी आपका वीडियो को आसानी से समझ पाएंगे, तो इसलिए हमको स्क्रीनशॉट वगैरह यूज करना चाहिए। तो ऐसे आपको बीरोल और स्टॉक फुटेज कुछ इस्तेमाल करना चाहिए। और अभी बात करते हैं सब्सक्राइब बटन लगाना। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सब्सक्राइब एनिमेशन बटन लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि गाइस हम जब बोलते हैं सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और लाइक कर दो वीडियो को, तो इसलिए हमको मतलब ऐसे कुछ खाली खाली नहीं हो जाना चाहिए, थोड़ा सा आपको एनिमेशन यूज़ करना चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर मैं सब्सक्राइब बटन का जो एनिमेशन है यहाँ पर लगा के आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला सब्सक्राइब बटन को मैं पहले से डाउनलोड किया था, तो इसको अब मैं इन एनिमेशन पर जाकर यहाँ पर स्लाइड ऊपर रखता हूँ और आउट एनिमेशन पर यहाँ पर मैं जाता हूँ और इसको मैं स्लाइड डाउन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैं कुछ ऐसे एनिमेशन दे दिया हूँ। तो आप भी अगर चाहते हैं कुछ ऐसे एनिमेशन लगाना है तो आप कुछ ऐसे एनिमेशन भी लगा सकते हैं, देखने में बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा लगता है। और इसके बाद आता है टेक्स्ट एडिटिंग। जी हाँ दोस्तों, टेक्स्ट एडिटिंग एक वीडियो के लेवल और एक ऊपर ले जाता है, तो आपको टेक्स्ट का एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा बारीकी से करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लिख दिया हूँ हाय गाइज, और इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। और काइनमास्टर पे कैसे फॉन्ट चेंज करते हैं आप देख सकते हैं, मैं वीडियो बना दिया हूँ, आई बटन में लिंक है, जरूर चेकआउट करिए। और इसका भी कलर भी चेंज वगैरह कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर कलर देख सकते हैं बहुत तरीका से कलर आपको देखने के लिए मिल जा रहा है, जो भी आपको कलर पसंद है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर आप काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं ग्लो को एनेबल करता हूँ, तो गाइज जब देख सकते हैं इसका ग्लो मैं एनेबल कर दूँ और यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन शेडो वगैरह ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा है। तो यहाँ पर मैं हम शेडो भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो शैडो भी इसको मैं एनेबल कर दिया हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इन एनिमेशन पे जाके यहाँ पर एनिमेशन वगैरह भी आप दे सकते हैं। अभी का टाइम में हर एक क्रिएटर टेक्स्ट एडिटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है क्योंकि गाइस टेक्स्ट एडिटिंग एक ऐसा एलिमेंट है जो आपका वीडियो के लेवल और एक ऊपर ले जाता है, तो आपको भी टेक्स्ट एडिटिंग को ध्यान में देकर रखना है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं ये वाला फुटेज कितना देखने में प्रोफेशनल लग रहा है, तो इसलिए मैं अपना हर वीडियो पे टेस्ट का अच्छा से एडिटिंग करता हूँ। तो अगर आपको भी प्रोफेशनल वीडियो बनाना है तो आपको भी अच्छा से टेस्ट का एडिटिंग भी करना है, तो जो जो ध्यान में रखना है आपको टेस्ट एडिटिंग ऐसे में जो भी बोला हूँ उसको आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रख के अपना वीडियो को एडिट करना है। तो ये था हमारा टेस्ट एडिटिंग। तो अभी बात करते हैं एक्सपोर्ट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपको रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट ध्यान में रखकर एक्सपोर्ट करना है। अगर आप इसी तरह का इसी प्रोसेस से वीडियो को एडिट करेंगे तो आपका वीडियो एकदम देखने में प्रोफेशनल लगेगा। तो आप इसी तरह का प्रोफेशनल वीडियो को अपना स्मार्टफोन से एडिट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइए। अगर गाइस वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। गाइस मिलते हैं एक नया वीडियो पे एक नया टॉपिक के साथ, तब तक बाय, जय हिंद।